फिजिकली देखना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है गाड़ी को, और वर्चुअली देखना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है गाड़ी को। 64 एम्बिएंट कलर के साथ देख पा रहे हो, यहाँ से आप मैन्युवर कर सकते हो लाइट्स आपको कौन सा चाहिए। 63.90 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में टुडे वी हैव द न्यू 2024 किया कार्निवल एमपीवी लिमोजिन प्लस। एक ही मॉडल में आप सभी को इस गाड़ी जो मिलने वाला है। क्या क्या अपग्रेड किए हैं किया ने इस गाड़ी में, आज के वीडियो अपन देखने वाले हैं। ये जो वाला मॉडल आप देख रहे हैं फोर्थ जनरेशन का फेसलिफ्ट वर्जन, ये आप देख पा रहे हैं। पहले जो इंडिया में आई थी थर्ड जनरेशन थी, उसके बाद जो है वो गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गया था। करीब करीब 1 से 1.5 साल तक का वेट कराया है किया ने इस गाड़ी को देने के लिए। फाइनली यहाँ पे अपने को ऐसा कुछ एग्रेसिव लुक के साथ ये अपने को गाड़ी देखने को मिल रहा है किया कार्निवल 2024। सबसे पहली बात, इस गाड़ी में मुझे बहुत सारे चेंजेस जो है ना बहुत ही प्यारे लगे। इस गाड़ी का जो टाइगर नोज ग्रिल आपको जो पूरा डिफरेंट कर देने वाला है। सेल्टॉस सोनेट वगैरह में जो ग्रिल पैटर्न देखा है वही ये चीज यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। थोड़ा सा उसमें सिमिलैरिटी मेंटेन किया है इस गाड़ी में जो बाकी गाड़ी में आपको मिलता है, तो फैमिलियर इजीली आपको ये सारी चीजें बना देती है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा अपग्रेड कर दिया है किया ने। पहले वाले मॉडल्स में आपको वो चीज नहीं मिलता था, किया का एज यूजुअल वही लोगो, लेकिन फिनिशिंग वगैरह में ना मस्त है। कंपटीशन की अगर बात करें, ये गाड़ी कॉम्पीट किसको करेगा? पहली बात तो सेगमेंट में और इस प्राइस पॉइंट में कंपटीशन है ही नहीं। अगर इसका कंपटीशन आपको करना है तो टोयोटा वेलफेयर में जाना पड़ेगा, मर्सिडीज में आप जाते तो वी क्लास में आपको जाना पड़ेगा, और इस प्राइस पॉइंट में तो इस बीच में है ही नहीं सबसे पहले अगर बात बताऊं तो। और किया ने पहले वाले से ज़्यादा यहाँ पे आपको क्वाड प्रोजेक्टेड LED हेडलैम्प सेटअप प्रोवाइड कराए गए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक उसी के साथ यहाँ पे आपको बड़ा सा DRL भी प्रोवाइड किया गया, फॉग लैम्प के प्लेसमेंट यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं। ये चीज़ जो है देखने के बाद ना मेरे को कैरेंस का याद दिलाता है। कैरेंस में भी यहाँ पे आपको जो ऐसे फॉग लैम्प प्रोवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्किंग सेंसर के साथ Level 2 ADAS सिस्टम अब ऐड कर दिया गया। हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, 8 एयरबैग, ABS, EBD, ESP सिस्टम के साथ सारे सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में अब लोड कर दिए गए आप सभी के लिए। सबसे पहला चीज डिजाइन वाइज बात करूँ तो बोनट में आप देख पाएंगे ये दो प्यारे प्यारे जो आपको डिजाइन बना के दिए ना, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बोनट को देखने में। और तो और यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाला है। तो लग्जरी के नाम पे ना ये एक्चुअली गाड़ी जो है स्टैंड कर रहा है इस प्राइस पॉइंट में अगर देखें तो। मेन यहाँ पे आप डायमंड कट एलावेल का जो डिज़ाइन वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया गया। साइज की अगर बात करूँ यहाँ पे आपको मिलता है 235/60 R18 इंच यहाँ पे आपको टायर साइज मिलने वाला है। और आप बोलोगे इस गाड़ी का डायमेंशन क्या है भाई, आप डायमेंशन जो इस गाड़ी का नापते रह जाओगे फिर भी ख़त्म नहीं होने वाला। 5155 mm का यहाँ पे आपको जो गाड़ी का लेंथ मिल जाता है। और विड्थ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है गाड़ी में 2000 mm तक ऑलमोस्ट जो गाड़ी में आपको विड्थ मिलने वाला है। हाइट की अगर बात करें 1700 mm प्लस का यहाँ पे आपको इस गाड़ी का ओवरऑल हाइट देखने को मिल पाएगा। क्या स्टांस लग रहा है आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिजिकली देखना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है गाड़ी को, और वर्चुअली देखना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है गाड़ी को, तो कैसा लग रहा है आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। की बात करें वही एज यूजुअल डिज़ाइन वगैरह रखा गया, पर थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज किया गया है। लॉक अनलॉक बटन होल्ड करके रखेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा, और ये दोनों साइड डोर ओपन करने के लिए आपको इसी में की प्रोवाइड कर दे रही है किया। होल्ड करके रखेंगे तो ऐसा कुछ आपको पूरा जो है गाड़ी में टॉप नॉच फीचर्स जो है लोड कर दिए गए हैं। 360 डिग्री जैसे कि कैमरा का बात किया मैंने यहाँ पे आपको, ORVM में यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं 360 डिग्री के कैमरा के। पियानो ग्लास ब्लैक के फिनिशिंग के साथ ना जो टचअप दिया है ना, गार्निशिंग जो किया है बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर इस किया कार्निवल की बात करें तो यहाँ पे जो इस गाड़ी में ना अंदर से बैठने के बाद ना विजिबिलिटी की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात विजिबिलिटी के लिए आपको अच्छा खासा विड्थ मिल जाता है गाड़ी में, और सामने में बड़ा सा विंडो मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पे आपको बड़े ORVM मिल जाते हैं, और तो और यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी प्रोवाइड कराया गया है। गाड़ी के साइड की बात आती है ना तो यहाँ पे आपको क्लैडिंग्स वगैरह तो प्रॉपर नहीं मिलेगा, बट क्लैडिंग्स के आपको जो डिजाइन प्रॉपर तरीके से आपको दिए जाते हैं। और तो डोर्स में ना यहाँ पे आपको नीचे में क्लैडिंग्स और प्रॉपर मैट ब्लैक में और सैटिन सिल्वर फिनिशिंग में आपको नीचे में प्रोवाइड करती है किया। और तो और इस गाड़ी के
जो ये वाले इलेक्ट्रिक डोर्स हैं ना रियर वाले, बहुत प्यारे हैं। इसको खोलने के बाद आपको दिखाऊंगा कि अंदर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। पहले तो अपन गाड़ी का एक्सटीरियर ही कवर कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है देखने में। जैसे कि आपको कैमरे में उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, बट लेकिन आप फिजिकली देखोगे ना गाड़ी को, बहुत ज़्यादा बढ़िया अगर आप कंपेयर करते हो तो। यहाँ पर आपको प्रॉपर रूफ रेल्स मिल जाते हैं, और तो और गाड़ी में आपको डुअल सनरूफ मिलता है, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। एक हो गया, और यहाँ पे आपको जो दूसरा सनरूफ ये आप देख पा रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है लेकिन डुअल सनरूफ यहाँ पे आपको मिलता है। क्वार्टर पैनल अभी तक का एमपीवी सेगमेंट में सबसे बड़ी वाली मैं अब तक इस गाड़ी में देखा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और तो और जब गाड़ी की रियर लुक की बात आती है ना, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और यहाँ पे आपको जो कनेक्टेड टेल लैंप, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपको जलता हुआ पूरा कनेक्टेड नहीं है, यहाँ तक ही सिर्फ है, और जलता हुआ काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कार्निवल की बैजिंग रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे आपको जो है रिवर्स लैंप वगैरह मिल जाते हैं। 6 सेंसर आगे मिलते हैं, 6 सेंसर पीछे आपको गाड़ी में दिए जाते हैं। रिवर्स लैंप यहाँ पे आपको नीचे दिया गया, और तो और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए हेलोजन लैंप ऐसा कुछ दिया जाता है। इस गाड़ी का मॉडल बैजिंग यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, लिमोजिन प्लस, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब चलते हैं मेन गाड़ी के बूट स्पेस की ओर। अब ये जो हो चुका है इलेक्ट्रिक टेल गेट, बूट स्पेस की बात करें, यहाँ पे आपको जो है 540 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। ये फोल्ड होने के बाद जो है 1200 लीटर तक का यहाँ पे आपको जो है बूट स्पेस मिल जाता है किया कार्निवल में। अब इसको आप फोल्ड अनफोल्ड कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हो गया, इसको आप ऐसे खींचेंगे, ये आप बढ़िया से थर्ड रो को आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। इसको यहाँ पे रखने के बाद बूट स्पेस जो अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। लगेज वगैरह रखिए, कोई भी टेंशन यहाँ पे आपको जो है नहीं मिलने वाला है। और तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको रियर पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट भी, और इवन थर्ड रो में भी यहाँ पे आपको LED केबिन लैंप दिया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और मेरे को थर्ड रो में चढ़ना है ना, तो मैं इधर ही से भी एक्सेस कर पाऊंगा। तो और बाकी टूल बॉक्स वगैरह यहाँ पे आपको प्रॉपर ऐसा कुछ दिया जाता है। स्पेयर व्हील कहाँ है बोलोगे गाड़ी में, स्पेयर व्हील जो है गाड़ी के सेंटर में आपको प्रोवाइड करती है। ये देखिए स्पेयर व्हील का सिस्टम यहाँ पे है। प्रोफाइल थोड़ा आपको पतला मिलेगा, एकदम ज्यादा बड़ा प्रोफाइल नहीं है, लेकिन आपको स्पेयर व्हील इमरजेंसी के लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है। ओवरऑल तो हमने गाड़ी का जो बूट स्पेस देख लिया, अब अपन देखेंगे गाड़ी के अंदर से बैठ के कैसा क्या आपको जो बूट स्पेस मिलता है, थर्ड रो कैसा यूटिलाइज आप कर पाएंगे। इसको फिलहाल करते हैं अपन बंद, ऐसा कुछ ये आपको बंद हो जाएगा। और लुक्स जो है कैसा लग रहा है मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। ये आपको मिलेगा डिफॉगर, वाइपर जो है आपके मॉडल्स में आपको हिडन कर देगा, वाइपर और वॉशर अंदर मिलेगा। और ये आपका स्पॉयलर में यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना जैसे कि आप देख पा रहे हो, जियो फेंस वगैरह, GPS वगैरह सब कुछ इस गाड़ी में लोडेड कर दिया गया है। ये वाले गाड़ी में पूरा पियानो ब्लैक में आपको फिनिशिंग वगैरह मिलेगा। अभी भी थोड़े थोड़े स्टिकर्स लगे हुए ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए। और तो और गाड़ी में आपको मिल जाता है 72 लीटर का डीजल टैंक, जैसे कि आप देख पा रहे हो DAF के ऑप्शन के साथ। डीजल इंजन है, ओनली डीजल में आपको ऑप्शन मिलेगा, पेट्रोल का ऑप्शन इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ओवरऑल गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलेंगे अपन इंटीरियर की ओर। अब दिखाने जा रहा हूँ इस गाड़ी का लग्जरी इंटीरियर, जैसे कि आप देख पा रहे हो ब्लैक और थोड़ा सा ब्राउनिश, या फिर डार्क टैन कलर में बोल सकते हो। यहाँ पे आपको जो पूरा इंटीरियर कलर मिलने वाला है, डुअल टोन का यहाँ पे आपको पूरा सेटअप मिल जाता है। 8-way एडजस्टेबल यहाँ पे आपको जो लंबर सपोर्ट के साथ इलेक्ट्रिकली ड्राइवर साइड एज वेल एज को ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम मिलने वाला है। बोस के यहाँ पे आपको स्पीकर सेटअप मिलेंगे, 12 स्पीकर के पूरे गाड़ी में आपको सेटअप दिया जाता है। और तो बहुत सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलने वाले, 64 एम्बिएंट कलर के साथ ये आपको जो है गाड़ी मिलने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ड्राइवर साइड जो है मेमोरी फंक्शंस के साथ है, वेलकम फीचर के साथ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और तो और ORVM के कंट्रोल्स, बटन फिनिशिंग वगैरह ना ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किया की गाड़ी में बैठ रहा हूँ। सारे डोर हैंडल्स, सारे विंडोज जो है ऑटो डाउन ऑटो शिफ्ट अप के साथ है। और तो आज जब ये सेकेंड रो में आप बैठोगे ना, ये देखे सबसे पहले तो यहाँ का मज़ा जो है ना अलग ही नेक्स्ट लेवल है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों कैप्टन सीट में आपको दो दो है, आपको आर्मरेस्ट जो है मिलने वाले। बाकी यहाँ के कंट्रोल्स में आएंगे, सबसे पहले अपन देख लेते हैं गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर की ओर। तो इसको बंद कर लेते हैं फिलहाल के लिए यहाँ से अपन। ये देखिए यहाँ से भी कर सकते हो आप, और यहाँ से भी आप कर सकते हो दोनों डोर्स को, बूट को भी आप कर सकते हो। अब इसको लॉक करना है, तो ये आप जो पावर डोर का ऑप्शन देख पा रहे हो, तो इसको आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हो। ट्रैक्शन ऑन ऑफ के बटन, हेड लैंप्स के लेवलिंग कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये आप देख पा रहे हो एम्बिएंट लाइट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया गया है। अब चलते हैं मेन गाड़ी के अंदर। पहले यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग नहीं मिलता था, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग प्रोवाइड कर दिया है किया के द्वारा। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली इतनी बड़ी गाड़ी को मैन्यूवर करने में, क्योंकि आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है इलेक्ट्रिक के साथ,
हाइड्रोलिक स्टीयरिंग यहाँ पे आपको नहीं दिया जाता है। और तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक के भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई इतनी बड़ी गाड़ी आप ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें कॉमन मिलने वाली है। पुश स्टार्ट सो बटन यहाँ पे, और ये गाड़ी आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑप्शंस के साथ मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 64 एम्बिएंट कलर के साथ देख पा रहे हो, यहाँ से आप मैन्यूवर कर सकते हो लाइट्स आपको कौन सा चाहिए ये भी प्रॉपर तरीके से आपको बदलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये देखिए चेंज हो गया, ये हुआ चेंज और ये देखिए चेंज हो गया। ऐसा कुछ आपको जो 64 एम्बिएंट कलर के साथ मिलेगा, और तो और मेजोरिटी जो आपको जो टच रिस्पांस के साथ ये सारे क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन मिलने वाले हैं। ठीक, बस आपको जो है टेम्परेचर को अप डाउन करना, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नॉब दिए गए हैं दोनों साइड, दोनों ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर ऑप्शन के लिए यहाँ पे आपको ऐसा कुछ सेटअप मिलता है। और तो टाइप सी सॉकेट के चार्जिंग सॉकेट के साथ यूएसबी का सिस्टम है ही नहीं, वायरलेस चार्जर यहाँ पे आपको दिया गया, और आपको फोन स्पेस वगैरह भर भर के यहाँ पे आपको मिलेगा। और इसकी बात कर लेते हैं, पे आपको सिंक करना तो आप दोनों सिंक करके भी चला सकते हो। 12.25 इंच का यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, और क्लस्टर की बात करें एज यूजल काफी बड़ा क्लस्टर यहाँ पे आपको जो 10.25 इंच का मिलने वाला है, अच्छा खासा एडास लेवल 2 सिस्टम के साथ अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और तो और सारे मीडिया के कंट्रोल। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किया के स्टेयरिंग व्हील में बैठा हूँ या फिर ड्राइवर सीट में बैठा हूँ, पूरा प्रीमियम लग्जरी है। बस इस लोगो को हटा दो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा गाड़ी यहाँ पे आप बैठे। क्लस्टर के कंट्रोल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो है मिलने वाला है, जैसे कि आपको सेल्टॉस वगैरह मिलता है, नेविगेशन जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से आप सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे। होल्ड करके आप होल्ड करोगे तो आपको जो है सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह किलोमीटर वगैरह सिंस रिफिलिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको जो है मिलने वाला है। स्पोर्ट्स मोड वगैरह यहाँ पे आप देख पाओगे, ड्राइव मोड्स वगैरह जैसे कि आप सेलेक्ट करोगे ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फ्यूल का सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा, चेक इंजन लाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। रेंज जो है यहाँ पे आपको जो गाड़ी में दिखाने वाला है, आप आरपीएम वगैरह जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मिलेगा, स्पीडोमीटर जो आपको यहाँ पे दिया गया है देखिए, ऐसा कुछ जो है सब कुछ आपको सिस्टम मिलने वाला है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें, ग्लव बॉक्स में यहाँ पे आपको जो है एकदम ज्यादा डीप नहीं है, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर थोड़ा प्रीमियम दिया गया ग्लव बॉक्स की लाइटिंग वगैरह जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके अलावा और ऐसा मेजर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपन आते हैं होम में, थीम वगैरह जो है ना काफी ज्यादा प्यारा कर दिया गया। पहले तो इसको ऑफ कर, नाइट में ड्राइव करने में ना आपको दिक्कत ना है, तो जब आप हेडलैम्प चलाते ना तो इसके ब्राइटनेस जो है ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। और तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सारे व्हीकल डायग्नोसिस यहाँ से आप कर पा रहे हो, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको पूरा जो किया कनेक्ट के थ्रू आपको जो एनालिटिक्स पता चलने वाला है इस गाड़ी में। ठीक है, अभी फिलहाल कोई भी नेटवर्क नहीं है तो इस वजह से हो नहीं रहा। यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर में वेंटिलेशन के साथ साथ हीटेड सीट्स, और एज वेल एज ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर में भी वेंटिलेशन और हीटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहले इसको दिखाता हूं फिर आपको कैमरा क्वालिटी भी दिखाऊंगा। नेविगेशन वगैरह मीडिया कंट्रोल्स फोन टच रिस्पॉन्स है काफी बढ़िया है, और किया सेल्टॉस में भी आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आला, बहुत ही स्मूथ इनके सभी गाड़ी में टच रिस्पॉन्स मिलता है। और तो ऑटोमेटिक IRVM, और यहाँ पे आपको एडास लेवल 2 का सिस्टम पूरा दिया गया है। LED केबिल लैंप टच रिस्पॉन्स के साथ यहाँ पे आपको नहीं दिया, बटन फिजिकल बटन यहाँ पे आपको मिलता है दोनों साइड में। ठीक है, रियर का सनरूफ ओपन करने यहाँ से, और फ्रंट का सनरूफ ओपन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा बड़ा सा यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, उसके पीछे यहाँ पे आपको कप होल्डर मिलता है। इनबिल्ड एयर प्यूरीफायर भी इसमें आपको मिलता है प्रॉपर तरीके से। और तो और इस गाड़ी में HUD भी प्रोवाइड करा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रॉपर डिस्प्ले यहाँ पे आपको होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए अभी चालू नहीं है तो आपको ऑन करना पड़ेगा। डैशबोर्ड की फिनिशिंग हो रहा है आपको पूरा जो है सॉफ्ट टच के साथ, एकदम हार्ड प्लास्टिक मटेरियल नहीं है, बट यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच जितना लेदर सॉफ्ट टच जो है नहीं मिलता है, बट क्वालिटी इज गुड। ठीक, आप प्राइस जो पे कर रहे हैं ना तो वर्थ इट आपको एक्चुअल में मिलने वाला है इस गाड़ी में। अब चलते हैं मेन गाड़ी के 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी में। ये देखिए, आपको फिलहाल के लिए गाड़ी शोरूम में खड़ी है तो इस वजह से आपको समझ आ नहीं रहा होगा, पर यहाँ पे आपको अडेप्टिव गाइड लेंस के साथ ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए, ठीक है, मैं स्टीयरिंग घुमाया, ठीक है, ये देखिए ऐसा आपको नजर आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पे आपको 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन RND। गाड़ी की अगर ड्राइव मोड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 4 ड्राइव मोड्स मिलने वाले हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्मार्ट यहाँ पे आपको जो ड्राइव मोड्स मिलने वाला है। तो आपको किस में चलाना आप उस हिसाब से जो मैन्यूवर कर सकते हो। ड्राइव मोड मैंने दिखाया, ये देखिए ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स, स्मार्ट, इको, नॉर्मल, किस में चलाना आपको आप चला सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको हजार लैम्प के बटन, 360 डिग्री कैमरा को फिलहाल के लिए बंद कर देते, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ बटन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा और ऐसा सेंटर कंसोल में नहीं है, एक चीज छूट गया, यहाँ पे आपको जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, ऐसे पुश करोगे तो आप इसको ओपन कर पाओगे। और तो और एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस आता ही है, पर यहाँ से आप चार्जिंग के साथ साथ उसको कनेक्ट करके भी आप चला सकते हो। इसके अलावा
SOS के बटन जो है गाड़ी में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। एक्चुअली इसने सारे स्पेस हैं तो मुझे ऐसे सन ग्लास होल्डर का रिक्वायरमेंट नहीं लगा, पर बाकी गाड़ियों के जैसे यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना चाहिए किया को भी। वायरलेस चार्जर फास्ट चार्जिंग सिस्टम के साथ यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है, आप अच्छा खासा चार्ज कर पाओगे और स्पेस वगैरह तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिलता है। एसी के वेंट्स जो है ना प्रॉपर तरीके से सेंटर में प्लेस किए गए ताकि आपको प्रॉपर दिखे और वेंट्स भी आए और उसका लुक भी यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिले। और को ड्राइवर में क्या कंट्रोल है वो आपको दिखा रहा हूं। ड्राइवर में ना लॉक अनलॉक बटन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और तो पूरा जो साटन फिनिशिंग दिया गया ना कलर बहुत प्यारा रखा गया इस गाड़ी में और पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सिल्वर कलर के डोर हैंडल्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। अब चलते हैं मेन गाड़ी के सेकेंड रो की ओर जो कि काफी ज्यादा लग्जरियस यहाँ पे आपको मिलता है। सेकेंड रो को खोलने का ऑप्शन चाबी से भी है और फिलहाल आप यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, इसको प्रेस करके रखना है तो दोनों साइड के जो डोर ऐसे ओपन हो जाएंगे। अब इसको खोलने का ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जब आप बैठोगे लेग स्पेस की आपको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सीट को आप फ्रंट से भी मूव कर सकते हो और यहाँ पे साइड से भी मूव कर सकते हो ताकि आप सेकेंड वाले पैसेंजर से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख पाएंगे। तो ये सारी सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब चलते हैं मेन यहाँ पे अपन बैठते हैं सेकेंड रो की ओर। ये देखिए बहुत ही प्यारा लेग रूम यहाँ पे आपको मिल जाता है और इसको बंद करने के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इलेक्ट्रिकली आप ये पूरा बंद कर पाओगे, कुछ भी आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा टाइप सी सॉकेट यहाँ पे आपको नहीं दिया गया। टाइप सी सॉकेट चाहिए तो आपको ड्राइवर सीट की ये साइड में आपको मिल जाता है और तो इस को ड्राइवर सीट के पीछे भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये रियर पैसेंजर के लिए बहुत ही बढ़िया। और तो और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी पूरे दोनों कैप्टन सीट में प्रॉपर तरीके से दिए गए इंडिविजुअल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। देखिए सेकेंड रो का सनरूफ यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे और तो और यहाँ पे जो सेकेंड रो में बैठेंगे ना सनरूफ का मजा आपको प्रॉपर मिलेगा। वो पूरा पैनोरमिक वाला मजा आपको मिलता है। पैनोरमिक सनरूफ नहीं है बट यहाँ पे आपको पूरा पैनोरमिक सनरूफ का मजा मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 1, 2 और 3 यहाँ पे आप देख पा रहे हो। एसी के वेंट्स यहाँ पे आपको प्रॉपर प्लेसमेंट दिए गए दोनों साइड में यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और तो और इस गाड़ी में सन ग्राइंड भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैनुअली आप इसको बंद कर पाओगे, ठीक है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके अलावा और इसको खोलने के जो ऑप्शन है यहाँ से भी आप खोल पाओगे और ये बटन से भी खोल पाओगे और यहाँ से भी आप खोल पाओगे। वेंटिलेटेड सीट्स के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप खोल सकते हो। जैसे कि इस गाड़ी में आपको लाइटिंग की कोई भी ऐसा मेजर दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2-2 सनरूफ मिल जाते हैं और तो और अंदर में आपको केबिन लाइट जो है LED दिए गए हैं। इसके जो स्विच ऑन ऑफ बटन सामने भी आपको दिए गए हैं तो वहाँ से आप ऑन करोगे तभी यह जलने वाला है। दोनों ही कैप्टन सीट में आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगा और तो और साथ ही साथ यहाँ पे आपको लंबर सपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। उसी के साथ साथ देख सकते हैं पूरे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है दोनों ही सीट्स में। यहाँ पे आपको पूरा रोल डाउन करना, रोल अप करना, सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो लंबर सपोर्ट वगैरह के साथ। हाइट का भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपको हाइट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। प्रॉपर तरीके से आपको 6 फीट तक का आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हो, रिक्लाइन करके आप सो के पूरे जा सकते हो प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा थर्ड रो में जब आप बैठोगे तो अच्छा खासा हाइट, डिसेंट हाइट, जिनका 5 फुट 9 इंच 6 इंच तक का 6 फुट तक का जिनका हाइट है तो यहाँ से आप इजीली बैठ पाओगे थर्ड रो में। यहाँ पर आपको जो ट्विटर के प्लेसमेंट साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो टाइप सी सॉकेट भी प्रोवाइड कराया गया है कप होल्डर के साथ। इसके अलावा और ऐसा कुछ मेजर नहीं है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटेन जो है थर्ड रो में भी मिलेगा, सेकेंड रो में भी मिलेगा, पूरा आपको दिया गया है। मुझे ऐसा लगा इंफोटेनमेंट सिस्टम के कुछ कंट्रोल जो है सेकेंड रो वाले को भी मिलना चाहिए तो यहाँ से बैठे बैठे वो कुछ कंट्रोल कर पाए और म्यूजिक वगैरह बजाना तो बजा पाए। डोर को ओपन करने की तो यहाँ से आप ऐसा कुछ ओपन कर पाएंगे, यहाँ से तो मैंने बता दिया, फ्रंट से मैंने बता दिया, की से भी आपको बता दिया था। भाई ये चीज देखिए मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारी स्प्राइट में जो गाड़ियां आती उसमें ना हाइड्रोलिक स्ट्रट्स बहुत कम गाड़ी में देखने को मिलता है। हालांकि लग्जरी ब्रांड्स में मिल जाता है बट लेकिन बहुत सारी गाड़ी में मैं जो है हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं देखा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस गाड़ी में किया कार्निवल में आपको प्रॉपर 2 रो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलता है और यहाँ पे आपको 2.2 लीटर का टर्बो स्ट्रीम डीजल इंजन मिलने वाला है जो कि निकालता है 193 bhp और 441 nm तक का टॉर्क ये आपको निकाल के देगा। अब चेंज क्या किया है किया वालों ने, इसमें पहले वाला जो कॉपर आयरन का जो है ब्लॉक्स आते थे अब इसमें जो एल्यूमिनियम के यहाँ पे आपको ब्लॉक्स प्रोवाइड कर दिए गए। और माइलेज की आप क्या बात करोगे इस गाड़ी में 2.2 लीटर डीजल इंजन होने के बाद ना ये आपको 14.5 का जो कंपनी क्लेम कर रही है इस गाड़ी में माइलेज। स्मार्ट ट्रिम की बैजिंग आप देख पा रहे हो यहाँ पे और प्रॉपर तरीके से अच्छा खासा
बड़ा इंजन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और ये वाला जो इंजन कौन सा बताऊँ, Hyundai Tucson में जो इंजन आता है वही वाला इंजन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन ट्रांसमिशन की बात करूँ, 8 स्पीड यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन मिलने वाला है। तो ABS/ABD किट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा सेंसर वगैरह कंट्रोल मिलता है, बैटरी पैक वगैरह यहाँ पे आपको पूरा नीट एंड क्लीन मिलेगा, और तो और गाड़ी में इंजन प्रोटेक्शन भी आपको नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी थोड़ा सा इंजन स्टार्ट करके देखेंगे कि कैसा वाइब्रेशन वगैरह क्या है, अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है कि इस गाड़ी में इंजन में वाइब्रेशन बिल्कुल भी अंदर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लग्जरी ही इतना प्रोवाइड करे तो वाइब्रेशन दे देंगे तो फिर मज़ा किस बात का आएगा। ठीक, ये तो हमने देख लिया इंजन भी, और तो और यहाँ पे आपको इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। और देखिए गाड़ी का जो इंजन स्टार्ट हो चुका है, ये आपको पहले आप साउंड सुने इस गाड़ी के इंजन का। ऐसा कुछ आपको साउंड सुनने मिलेगा इस गाड़ी का, भारी भरकम इंजन आपको देखने को मिल जाएगा ओवरऑल गाड़ी में। ठीक है, ये हमने देख लिया पूरा किया कार्निवल 2024 का रियर इंटीरियर एज वेल एज सेंटर इंटीरियर, सेकंड रो जिसको बोला जा सकता है। कैसा लगा आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, क्या अच्छा लगा इस नए फेसलिफ्ट वाले कार्निवल में, पूरा हर एक चीज मैंने फीचर्स बता दिया, कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।